और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में पहली बार देश के लिए मेडल जीत लिया है। चीनी खिलाड़ी के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मैच पूरा नहीं हो पाया और चीनी खिलाड़ी ने चोट के चलते मैच बीच में छोड़ दिया और ब्रॉन्ज साइना के नाम हो गया। ओलंपिक खेलों में तिरंगा ऊपर जाते हुए बैडमिंटन के खेल में देश ने पहली बार देखा, साइना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कहानी क्या रही ये देखते हैं। लंदन में साइना के ब्रॉन्ज मेडल मैच पर पूरे देश की नजर थी। साइना ने पहले गेम में 4-1 की बढ़त बना ली थी, लेकिन फिर चीन की जिन वोंग ने बताया कि वो क्यों वर्ल्ड नंबर 2 है। वोंग ने एक के बाद एक पॉइंट लिए और साइना से आगे निकल गई। अब स्कोर 20-18 का था। साइना ने 4 गेम पॉइंट बचाए और फिर चाइनीज खिलाड़ी बेसलाइन से एक जोरदार स्मैश खेलने की कोशिश में चोटिल हो गए। चोट घुटने में लगी थी। चाइनीज टीम तुरंत हरकत में आई। घुटने पर बैंडेज लगाकर चाइनीज खिलाड़ी वापस आई और पॉइंट लेकर पहला गेम अपने नाम कर लिया। अगले गेम के लिए जिंग वोंग एक बार फिर वापस लौटी, लेकिन एक पॉइंट के बाद उनके घुटने ने जवाब दे दिया। हाथ दिखाने की बजाय उन्हें हाथ मिलाने पड़ गए। साइना को यकीन ही नहीं हुआ कि चीनी खिलाड़ी ने मैच कंसीड कर दिया है और वो मेडल जीत गई है। देश के नाम बैडमिंटन में पहला मेडल आ चुका था। उधर लंदन में मेडल आना तय हुआ और इधर हैदराबाद में पिता यादों के झरोखों में खो गए। उन शुरुआती दिनों को याद करते करते गला भर आए। 99 में साइना को मैं बच्ची के रूप में तिरुपति लेके गया और वहाँ जो एसवी विश्वविद्यालय में वो खेल रहे थे अंडर 10, तो मेरे एक दिल में आया कि ये बच्चा छोटा सा है, अगर ये जीते तो मैं इनको प्रभु के पास लेके जाऊंगा। और साइना ने उसको जीता, उस टूर्नामेंट को जीता। और आज जो बच्ची वो खेल रही थी, मेरे दिमाग में वही घटना दोबारा आ रही थी कि ये लड़की साइना। पिता को मेडल का भरोसा था और वो क्यों? ये सुनिए। तो कल मेरे को 11 बजे फोन किया उसने। मैंने कम से कम 5-7 मिनट उसको समझाया होगा। रत्नाकर जी के फोन के बाद उनका फोन आया था कि पापा मैं परेशान हूं कि मेरे को वो मेरी स्ट्रेंथ से जो मैं खेल रही, मेरे पैर जकड़ गए, मैं खेल नहीं पा रही थी। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर आज तेरे पैर जकड़े गए तो कल खुलेंगे भी, डोंट वरी, तू कल अच्छा खेलेगी। मेडल आने के बाद मीडिया का मिठाई की डिमांड करना तो बनता ही था, लेकिन अभी तो मैच आधा ही हुआ था तो मिठाई तो मंगवाई नहीं थी। अब कल देखिएगा, कल मेरे पास मिठाई, मेरे पास वैसे कभी मिठाई होती नहीं है जब। लेकिन कोई बात नहीं, मिठाई ना सही, मीठा बिस्किट ही सही। ओलंपिक में मेडल के सपने के साथ जिस पिता ने अपनी बेटी के हाथ में बैडमिंटन का रैकेट दिया था, वो तपस्या सफल हो गई। और जब ऐसा होता है तो भावनाएं ऐसे सामने आती हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, जो मेरे से गलती या साइना से गलती हुई उसको माफ कर देना। साइना वो नहीं कर पाई जो वो चाहती थी, यानी सीधी जीत, लेकिन जीत जैसी भी हो वो बहुत बड़ी होती है और साइना का ये मेडल भारत में बैडमिंटन को बहुत ऊपर लेके जाएगा। इस समय लंदन से कैमरामैन नवीन जोशी के साथ शैलेश चतुर्वेदी।